should trust in us and we'll be champions. अब तक जो दूसरों को कविता सुनाने के लिए प्रेरित करते आ रहे श्री पीपी शर्मा जी, अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी रचना सुनाए। पीपी शर्मा जी। धन्यवाद लाडवाल जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, वरना तो मैं खुद ही आके खड़ा हो जाता। 15 अगस्त है, उस पर शहीदों को याद करते हैं। और अभी अभी ताजा ताजा वाकया है कि जैसे ही मैं घर से निकला तो मिला हवा का झोंका, जैसे ही मैं घर से निकला तो मिला हवा का झोंका, बोला भाई कहां चले हो ऐसा कहकर रोका। मैं बोला जाने दो मुझको, सर्वोदय में जाना है। मैं बोला जाने दो मुझको, सर्वोदय में जाना है और वहां जाकर के कवि जनों को पावन गीत सुनाना है। तो आया हूं मैं गीत सुनाने, प्रेम से आप करें स्वीकार और यह उपस्थित आप सभी को पीपी शर्मा का नमस्कार। और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये गोष्ठी है, तो आज शहीदों को याद करने की मैंने कोशिश की है अपने शब्दों के माध्यम से। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, समर्थन चाहूंगा और भाव मेरे अगर आपको भाएं और आपकी समझ में आए तो अपनी स्वीकृति तालियों के माध्यम से मेरे कानों तक पहुंचाएं, ये मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। कि प्रथम नमन माँ सरस्वती के सजे हुए दरबार को, और दूजा अमर शहीदों की माँ की ममता और प्यार को। शब्दों पर ध्यान चाहूंगा, तरन्नुम पे कम ध्यान दे, शब्दों पे ज्यादा ध्यान दे, मेरा निवेदन है। कि प्रथम नमन माँ सरस्वती के सजे हुए दरबार को, और दूजा अमर शहीदों की माँ की ममता और प्यारी को। तो शत शत नमन तिरंगे की इस आन बान और शान को, तो शत शत नमन तिरंगे की इस आन बान और शान को। और अति विशिष्ट है नमन शहीदों के पावन बलिदान को, अति विशिष्ट है नमन शहीदों के पावन बलिदान को। तो संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने, संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने आज यहाँ सब आए हैं, और आजादी जिस रक्त ने दी उसे पुष्प चढ़ाने आए। तो संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने आज यहाँ सब आए हैं, और आजादी जिस रक्त ने दी उसे पुष्प चढ़ाने आए हैं। तो जब जब ये त्योहार है आता आती याद शहीदों की, जब जब ये त्योहार है आता आती याद शहीदों की, और जलियांवाले बाग में वीरों की शाही कुर्बानी की, जलियांवाले बाग में वीरों की शाही कुर्बानी की। तो अमर शहीद जवानों को, अमर शहीद जवानों को करता है पूरा देश नमन, और उनकी उपलब्धियां देखिए जिसकी वजह से आप आज हम यहाँ चैन से बैठे हैं। कि अमर शहीद जवानों को करता है पूरा देश नमन, और अपना खून बहाकर जो दे गए भारत को चैन अमन, अपना खून बहाकर जो दे गए भारत को चैन अमन। तो हाथ जोड़कर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाकर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अगली पंक्ति विशेष आपका आशीर्वाद और ध्यान चाहूंगा एक एक शब्द पे। कि हाथ जोड़कर
उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आंखों के अश्रु जलाशय से हम तर्पण उनका करते हैं। आंखों के अश्रु जलाशय से हम तर्पण उनका करते हैं। तो एक सूत्र में बंधा, एक सूत्र में बंधा, आज ये भारत देश महान है। एक सूत्र में बंधा आज ये भारत देश महान है। और विजयी विश्व तिरंगा अमर शहीदों की पहचान है। एक सूत्र में बंधा आज ये भारत देश महान है। और विजयी विश्व तिरंगा अमर शहीदों की पहचान है। और अंतिम पंक्ति है आपका समर्थन कि आजाद भगत सिंह उधम जैसे सब वीरों को सलाम है। आजाद उधम से भगत सिंह उधम जैसे सब वीरों को सलाम है। और अगली पंक्ति जिसके लिए मैं आज जोड़कर खड़ा हूं आपके साथ, तो आजाद भगत सिंह उधम जैसे सब वीरों को सलाम है। और जिस माँ का दूध पिया वीरो उस माता को प्रणाम है। जिस माँ का दूध पिया वीरो उस माता को प्रणाम है। जिस माँ का दूध पिया वीरो उस माता को प्रणाम। धन्यवाद।